हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीड्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और आपका स्वागत करता हूँ एग्री स्टार के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की और हमारे पॉइंट्स की ओर। आप साथ साथ नोट करते आना, सीड्स के ऊपर आज काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट भी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन क्या कह रहा है, सीड इज़ डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिक प्लांट टुगेदर विद अ स्टोर ऑफ फ्रूट फूड ऑल सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट। पॉइंट नंबर टू, द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ब्रीडर्स और न्यूक्लियस सीड इज 100% इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर थ्री, द फिजिकल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल क्रॉप इज 98%। फिजिकल प्योरिटी कितनी चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए, 98%। पॉइंट नंबर फोर, द प्योर सीड परसेंटेज ऑफ ओकरा इज 99%। जो प्योर सीड की जो परसेंटेज होती है ओकरा सीड की वो कितनी होती है, 99%। पॉइंट नंबर फाइव, द सीड शुड हैव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज 8% और बिलो। अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सीड्स को रख रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 8 या 8 से नीचे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर सिक्स, सीड शुड हैव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज। पहले हमने लॉन्ग टर्म स्टोरेज पढ़ा था, अब ये है शॉर्ट टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म के लिए कितना चाहिए, 10 से 13%। पॉइंट नंबर सेवन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी। जो सीडलेस फ्रूट है वो किसकी वजह से है, वो पार्थेनोकार्पी की वजह से है। पॉइंट नंबर एट, एक्सोजीनस डोरमेंसी इज ड्यू टू द सीड कोट फैक्टर ईदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर और हार्ड सीड नेचर। पॉइंट नंबर नाइन, एंडोजीनस डोरमेंसी इज ड्यू टू एम्ब्रियो। पॉइंट नंबर टेन, एनी ट्रीटमेंट मे बी फिजिकल और केमिकल डैट वीकन्स और सॉफ्टन्स द सीड कोट इज नोन एज स्कैरिफिकेशन। कोई भी ट्रीटमेंट हो जो चाहे फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, जो सीड के प्रोटेक्टिव कोट को सॉफ्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरिफिकेशन। पॉइंट नंबर 11, एसिड स्कैरिफिकेशन। नाम से हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि जो मतलब हम ट्रीटमेंट देते हैं सीड को उसके शेल को सॉफ्ट करने के लिए, उसमें अगर हम एसिड का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसिड स्कैरिफिकेशन। चलो हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, बाय यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें यूज़ किया जाता है। कितना यूज़ करते हैं, 100 ml पर kg। 1 किलोग्राम सीड्स के लिए हम 100 ml H2SO4 का प्रयोग करते हैं। कितना टाइम तक डिप करके रखना है सीड्स को, 2 से लेकर 3 मिनट्स तक। ट्रीटमेंट डोरमेंसी कैन बी ओवरकम। पॉइंट नंबर 12, मैकेनिकल स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्कैरिफिकेशन था, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। सीड्स आर रबर ऑन अ सैंड पेपर और विद अ हेल्प ऑफ मैकेनिकल स्कैरिफायर और बाय पंक्चरिंग ऑन सीड कोट विद द हेल्प ऑफ नीडल टू इन्हेंस इंक्रीज द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करते हैं, सीड लेते हैं, उसको जो इसकी टिप होती है उसको पंक्चर कर देते हैं नीडल की हेल्प से, है ना, ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट एंटर हो और वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाए। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेटिफिकेशन। पॉइंट नंबर 13, कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। नाम से क्लैरिफाई है कि उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इनक्यूबेट द सीड एट लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 degrees Celsius ओवर अ मोइस्ट सबस्ट्रेटम फॉर 2 to 3 डेज
टू सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों के हाँ, अगर हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देते हैं 2 से 3 दिनों से शुरू करते हुए कुछ महीनों तक हमने रखना है सीड को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 14, वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। नाम से क्लैरिफाई है, इसमें हम गर्मी उसको मतलब हीट करेंगे, है ना, हीटअप करेंगे। सम सीड्स रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 40 to 50 degrees Celsius फॉर फ्यू डेज, एग्जाम्पल पैडी। पैडी के सीड को हम हॉट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक, जर्मिनेशन के पहले कुछ स्टेट्स में देते हैं, ज़्यादा हम नहीं, मतलब ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बट लिखा है तो याद करना पड़ेगा, कुछ स्टेट्स में हैं कुछ में नहीं है। पॉइंट नंबर 15, सीड रिप्लेसमेंट रेट। ये क्या होता है? सीड रिप्लेसमेंट रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड इन द सीजन बाय यूजिंग सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स अदर देन द फार्म सेव्ड सीड। अगर हम सपोज करो आपने कॉटन ग्रो करा है, ठीक, उसमें अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर मतलब नेक्स्ट सीजन पर फिर कॉटन को आप लगाने जा रहे हो, अगर आप पुरानी वाली जो कॉटन है उसके सीड को कितना यूज़ करते हैं, उसके कंपैरेटिवली हम सर्टिफाइड सीड जो मार्केट से लेकर आए हैं वो कितना यूज़ करते हैं, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड रिप्लेसमेंट रेट द परसेंटेज है, ठीक, परसेंटेज जो मतलब पहले वाली क्रॉप का कितना हमने सोन करा और सर्टिफाइड कितना लेकर आए, समझ लगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 16, द सीड रिप्लेसमेंट रेशो ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ICAR, चाहे आप किसी भी MSc एंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद लगाई जा सकती है, किसी न किसी एक एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो सीड रिप्लेसमेंट रेशो होता है वो कॉटन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, 100%, नियर अबाउट 100%। पॉइंट नंबर 17, ब्रीडर सीड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियस सीड। जो ब्रीडर सीड होते हैं किसकी प्रोजनी होते हैं? न्यूक्लियस सीड की। इट हैज़ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ 100%, कुछ मानते हैं 99.9%, ठीक, वैसे होता 100% ही है। पॉइंट नंबर 18, टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड इज वाइट, ठीक, टैग कलर अलग अलग होते हैं, जैसे टैग कलर ऑफ न्यूक्लियस सीड का क्या होता है? इसका कोई टैग होता ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ब्रीडर सीड की ओर, फिर आता है हमारा फाउंडेशन, और फिर आता है हमारा सर्टिफाइड। जो ब्रीडर सीड होता है उसका क्या होता है? गोल्डन येलो। फाउंडेशन का क्या होता है? फाउंडेशन का वाइट। सर्टिफाइड का क्या होता है? अजर ब्लू, AZAR, अजर BLU, ब्लू, कुछ में ब्लू लिखा हुआ होता है, ऑप्शन में आपको देखना है, अजर ब्लू वाला है तो अजर ब्लू ही आएगा, अगर ओनली ब्लू दिया है तो ओनली ब्लू आएगा। और एक होता है हमारा रजिस्टर सीड का होता है पर्पल। और एक होता है ट्रुथफुल लेबल्ड सीड, उसका होता है मे बी ग्रीन होता है, आप चेक कर लेना, ग्रीन ही होता है शायद, ठीक। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, पॉइंट नंबर 19, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो इज द नंबर ऑफ सीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सीड व्हेन इट इज सोन एंड हार्वेस्टेड। आप एक सीड लगाकर उससे कितने सीड प्राप्त कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो। एंड लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 20, द 20th पॉइंट इज
द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो ऑफ वीट इज़ 1:20। मैंने पहले एक वीडियो डाटा की भी दी है, कुछ दिनों पहले ही मैंने दी थी आपको, उसमें मैंने डिफरेंट क्रॉप्स के सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो लिखवाए थे कि क्या होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो। वो हमने वहाँ पर भी सीखा था और आज भी हमने सीख लिया कि एक सीड से हम कितने सीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, एक सीड ग्रो करने पर हमने कितने सीड का मल्टीप्लिकेशन हमको मिलता है। जैसे वीट का तो लिखा ही हुआ है, बाकी का आप उधर डाटा में जाकर देख लेना। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, हाँ इतने ही थे आज। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट हमारे जो आते रहते हैं एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड अपडेट, या फिर कोई भी अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट की जाती है तो वो टेलीग्राम पर ही हम करते हैं। ठीक, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।